मुंबई जाणार कोण जाणार म्हणते मराठीच 50 वर्ष झाली मराठीसाठी रडावं लागते तुम्हाला सी 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 लांछनास्पद भयंकर लांछनास्पद मराठी ही आमची मातृभाषा आहे आणि त्याला तुम्ही मानलंच पाहिजे बोललंच पाहिजे पण आम्हाला चौपण आता काय म्हणायचं तुम्हाला भैया भेटला तरी चालेल हो मराठीत बोला पण आपण सत्य बोलतो कैसे भैया कैसे भाई लोकनजी कैसन हवा बहुजी और दीदी कैसन हो आपन लोकन के साथ आज मैं बोले के आयल है हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ लोग आएंगे आपके पास और कहेंगे अरे ये उत्तर भारतीय समाज वाले लोग कभी भी शिवसेना के नहीं हो सकते लेकिन मैं एक चीज गर्व से कहना चाहूंगा कि उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये उत्तर भारतीय लोग सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के ही हो सकते हैं आप सभी लोगों को एक ही बात कहता हूं 15 तारीख है 15 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन के दिन इधर उधर बिल्कुल मत देखिए धनुष्य बाण का बटन जो 2 नंबर का बटन है वो बटन को दबाइए और आदरणीय शिवसेना प्रभु का सपना साकार कीजिए और वहां पे जो महाराष्ट्र में है हमारा भगवा झंडा भगवा ध्वज जो है फैलाना चाहिए महाराष्ट्र में हमारा सब लोगों का मुख्यमंत्री होना चाहिए महंगाई हमारी कम होनी चाहिए रोजगारी हमारी बढ़नी चाहिए इसके लिए ऐसा सरकार हमको चुन के देना है और उसके लिए इस परिसर से आपको प्रताप सरनाई को चुन के देना है इतना मैं आपको कहता हूं मगर एक बार एक एक बात कहूंगा अगर कभी हमारे उत्तर भारतीयों के ऊपर आ जाएगी हम उसके पीछे रहेंगे एक मैंने थोड़ा सा बात मीरा भयंदर में कहा है कि अगर उत्तर भारतीय कभी भी उनके ऊपर आ जाएगी तो प्रताप सरनाई या शिवसेना खड़े रहेंगे तो उत्तर भारतीय के सम्मान में शिवसेना मैदान में जय हिंद जय महाराष्ट्र जय उत्तर प्रदेश कि उत्तर भारतीय पूरे 10-20 हजार यहाँ पर कार्यक्रम में जुटने वाले हैं और केसारी लाल का यहाँ पर कार्यक्रम है तो केसारी लाल का कार्यक्रम हो और मैं नहीं आऊ ऐसा हो नहीं सकता है और इसलिए मैं प्रकाश सुर्वे को बोला मैं जरूर आऊंगा और फिर एक बार मैं प्रकाश सुर्वे को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ हर समाज के लिए हर जाति पाति के लिए हमेशा कार्यक्रम का आयोजन करने वाला और सुख दुख में उनके साथ में शामिल होने वाला ये प्रकाश सुर्वे नाम का एमएलए है और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जब भी उत्तर भारतीयों को यहाँ पर कुछ लोगों ने मारपीट करने का काम किया था तभी यही प्रकाश सुर्वे ने सम्मान रैली का आयोजन किया था इस मुंबई में इस सम्मेलन में उपस्थित